गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, देखो क्लास थर्ड। अब क्या चैप्टर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। पहले देखो सेंटेंस किसे कहते हैं। यहाँ आपको दे रखा है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट ए स्टोरी ऑन एन एसे। ठीक है, ये पढ़ लो, पढ़ो आपको क्या लिखा है। एक सेंटेंस हैज मेनी वर्ड्स, केयरफुली रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन बिलो। लिव इंडिया वी इन, ये जो सारे चीज़ें हैं, द एबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, कोई मीनिंग इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, लिव रहना, भारत, हम, मैं, ऐसे कोई वर्ड थोड़ी हो रहा है बेटा, नहीं है। लेकिन उसको सजाए कैसे लिखा गया ना, प्रॉपर ऑर्डर में जब लिखा जाता है और प्रॉपर मीनिंग उसका होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। वी लिव इन इंडिया, नेवर गिव अप होप, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस का डेफिनेशन बच्चे कहाँ से लिखोगे, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कम्प्लीट सेंस। एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब बहुत सारे वर्ड का ग्रुप है जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस बनाता है, एक मीनिंग बनाता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। और ये सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर और एंड विथ ए फुल स्टॉप। इसका मतलब शुरू में कोई भी लेटर होगा, ऐसे देखो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा और लास्ट में क्या होगा ना, फुल स्टॉप होगा, उसे आप कहोगे कि ये सेंटेंस है। चलो एक्सरसाइज में आ जाओ बेटा। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, पुट ए टिक अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंसेस एंड ए क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट सेंटेंस। नेवर इन रन सन, बेटा ये देख रहे हो कुछ मीनिंग ही नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा दे रखा है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ए शॉट एन एयर इन टू द एरो, ये भी नहीं है। वी कैन नॉट पंप द ओशिन ड्राई, ये मीनिंग आ रहा है, वी कैन नॉट पंप द ओशिन, ठीक है ना। क्या आप ओशिन को आप पंप से नहीं सुखा सकते बेटा, तो ये आपका ट्रू है। ए डोर केम दे आर माई टू जाइंट, नहीं है। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री, देखो वो बैठी है ना पेड़ के नीचे, तो ये एक हो रहा है, ये आपका एक सेंटेंस बन रहा है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग आ रहा है बेटा। किंग अकबर वाज ए ग्रेट किंग, बिल्कुल ठीक है। हुरे द गेम वी हैव वॉन, नहीं, हुरे वी हैव वॉन द गेम, हो सकता है ये भी नहीं है सेंटेंस। और ही हैज मेमोरी ए गुड, ही हैज ए गुड मेमोरी, होता है नहीं, हुआ, समझ में आ गया होगा। बी में आ जाओ, रीअरेंज दिज वर्ड्स, रीअरेंज दिज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, हीज इनोसेंस आई इन बिलीव, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दिया इसमें, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं साथ साथ दोनों को, ठीक है, इसको आप देख लो साथ में। जी तो क्या है पहला वर्ड ना, पहला पहला जो है लाइन क्या है, आई बिलीव इन हिज इन कंसेंस, ठीक है, इनोसेंस बेटा, इनोसेंस, ठीक है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, सी ई एन सी, आई डबल एन ओ सी ई एन सी। दूसरा, नेवर ए टेल लाई, नेवर टेल ए लाई, ठीक है। और नेक्स्ट हाउस इन लिव्स माई अंकल द, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, तीन नंबर देख लिए। फोर वन, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। फाइव, ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है, ये आपका आ गया। और आगे देखो आप, ये सिक्स वन क्या है, क्वेश्चन इसमें दिख रहा है तो थोड़ा साइड कर दूं मैं। सिक्स वन देखो बेटा आपका क्या है, स्विमिंग एक्सरसाइज इज हेल्दी, देखो स्विमिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, ये स्विमिंग इज ए, ये रहा स्विमिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, यहाँ आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो लिखा है किसी का नाम है, ठीक है ना, मोरिया लॉस्ट ऑल हर सॉन्स। उसके बाद आ जाओ कौन सी में, एट आ जाएगा, ए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ए नोवेल, ठीक है, ये इसमें देख के, ए फूल ए मैन इज, द मैन इज ए फूल। और टेन में, द न्यूज इज गुड, द न्यूज इज गुड, ये आपका हो गया। मैंने 10 लाइन आपको बताया, अगर आपको देखना है एक बार सही तरह से सभी लाइन को, तो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, ये देखो बेटा। लेकिन आपने आप प्रैक्टिस करना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आंसर में चेक करना। आगे आप आ जाओ, आगे नीचे आते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है। राइट डाउन द सेंटेंस करेक्टली, यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, ये आई हमारा कैपिटल कर देना, इंडिया को आई बड़ा, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है बेटा। ये रशिया आर बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, फिर फुल स्टॉप लगा दोगे। ये इस किसका नाम है, एच बड़ा करोगे हैंड से, तो यहाँ एच बड़ा होगा, ये हॉलैंड, एच बड़ा हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। नीचे लिखना आपको, वी डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, जिप्सी जी बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना।
ही एच बड़ा हो जाएगा, कैम इन व्हाइल आई वाज आउट, ये आई आई को बड़ा लिखना, ये आई बड़ा हो जाएगा और इसे पुरुष बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ में आएगा वीडियो में दोबारा आप उसको देख सकते हो। हाँ, क्या लिखा है, नील इज लॉन्गेस्ट, एक नदी का नाम है, वो एक रिवर है बेटा, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट नदी है वो आपका नील नदी है, तो ये रिवर। द हॉर्स डेज फर्स्ट, द हॉर्स रन्स फर्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करो। मोस्ट पीपुल डे सो थिंक सो, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। करेक्ट द मिस्टेक, अपने मिस्टेक को आप करेक्ट करो। डू यू वर्क ऑनेस्टली, क्या आप अपना काम ऑनेस्टली ईमानदारी से करते हो, तो ये चीज़ मैंने बताया। ये बुक कौन सी बेटा, ज्ञानम बुक्स, चैप्टर चैप्टर 1 है, थर्ड क्लास चैप्टर 1। ठीक है बेटा।